टाइगर संतोष नायर है और मेरा की अकाउंट्स मैनेजमेंट का ब्यूटीफुल प्रोग्राम को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और ये पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये अकाउंट्स को रिलेटेड प्रोग्राम है? बिल्कुल नहीं है, ये अकाउंट्स और फाइनेंस को रिलेटेड प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास की अकाउंट्स होने चाहिए, 10 15 20 30 की अकाउंट्स होने चाहिए। एक की अकाउंट वो कंपनी होता है जहां से आपका आज का बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है, जहां से कल का आपका बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है और जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिसीजन मेकिंग में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसको देयरफॉर मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग लोगों को मैनेज करना पड़ता है, पावर को मैनेज करना पड़ता है, पर्सनैलिटी को मैनेज करना पड़ता है, प्रायोरिटी को मैनेज करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन को मैनेज करना पड़ता है, सपोर्टर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, नॉन सपोर्टर्स होते हैं, एनिमी होते हैं और अपना कोच होता है, अपने को सबको मैनेज करना है और धंधा लगातार लाना है, कई सालों तक लाना है और बड़े पैमाने में लाना है और ये सब चीजों को मैनेज करने का जो एक बहुत ही स्पेशल कलाकारी है, ये कलाकारी है कि अकाउंट्स मैनेजमेंट, यानी बड़े बड़े अकाउंट्स, बड़े बड़े कंपनी को मैनेज करने की कलाकारी की कंपनीज, जो की अकाउंट्स है, बड़े अकाउंट्स है, बड़ा धंधा है, उसको मैनेज करने की ये कलाकारी का नाम है की अकाउंट्स मैनेजमेंट। और ये कौन अटेंड करना चाहिए? हर वो एसएमई सेक्टर का आदमी जो बड़े कंपनियों के साथ डील करता है। समझो आप बॉल बेरिंग बना रहे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई कर रहे हैं, आप है 10 करोड़ की कंपनी, आप सप्लाई कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को, वहां पर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स है एंड यू हैव टू गो एज हाई एज पॉसिबल एज वाइड एज पॉसिबल। तो ऐसा धंधे वाले, ऐसा सेल्स के बंदे जो बड़े कंपनियों को मैनेज करते हैं, ऐसा लीडर्स, ऐसी कंपनियां जो दूसरी कंपनियों में जाती है, समझो फिलिप्स है तो फिलिप्स जा रही है अपना माल बेचने के लिए हीरानंदानी के पास, तो वो बड़ा धंधा आने वाला ना हीरानंदानी से, वो 4 ट्यूबलाइट तो नहीं लेने वाला है, वो 4 लाख ट्यूबलाइट लेने वाला है। अभी 4 लाख ट्यूबलाइट लेने का है और पूरा लाइटिंग सिस्टम बनाने का, कॉम्प्लेक्स का, पूरा कॉम्प्लेक्स का माल बेचने का है। तो जब आप इस तरह से जाते हो तो इसको की अकाउंट्स बोलते हैं, जहां मल्टीपल डिसीजन मेकर्स हो। तो ये है की अकाउंट्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम। तो मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर किया, व्हाट इज अ की अकाउंट, ये अकाउंट से रिलेटेड नहीं है और कौन ये प्रोग्राम करना चाहिए, हर वो आदमी जो सेल्स करता है और कोई भी बंदा जो सेल्स करता है वो अगर ये जान लेता है कि अकाउंट्स, तो सेलिंग स्किल्स और की अकाउंट मैनेजमेंट स्किल्स, माय गॉड, सोने पे सुहागा हो जाएगा, किलर हो जाएगा, किलर। क्योंकि डिसीजन मेकिंग को प्रीपोन करना है, मोमेंटम बढ़ाना है कंपनी के अंदर। जिस कंपनी में मैं माल बेचने जा रहा हूं, जहां 6 महीना लगने वाला है माल बेचने के लिए, तो क्या वो 6 दिन में किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो वो करने के लिए अपने को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शॉर्टन करना पड़ेगा, अपने को डिसीजन मेकिंग यूनिट को जल्दी मिलना पड़ेगा, अपने को सेलिंग टाइम को कंप्रेस करना पड़ेगा, मोमेंटम लाना पड़ेगा। ये सब का जो कलाकारी है, और उसमें बहुत सारे कलाकारियां, मल्टीपल कलाकारियां, उन कलाकारियों को मास्टरी करने के लिए की अकाउंट्स मैनेजमेंट का टाइगर संतोष नायर का प्रोग्राम आपको अटेंड करना चाहिए। All the best and thank you very much.